भारतीय जनता पार्टी बक्षीपंच मोर्चाना राष्ट्रीय महामंत्री अने सांसद संगमलाल गुप्ता वडोदरा खाते आव्या हता, ज्यां वाणिज्य भवन खाते बक्षीपंच मोर्चानी बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। भारतीय जनता पार्टी बक्षीपंच मोर्चाना राष्ट्रीय महामंत्री अने सांसद संगमलाल गुप्ता वडोदराना मेहमान बन्या हता, ज्यां वडोदरा शहेरना रेसकोर्स सर्कल खाते आवेल वाणिज्य भवन खाते बक्षीपंच मोर्चाना बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ बक्षीपंच मोर्चानी बैठकमां बक्षीपंच मोर्चाना गुजरात प्रमुख उदय कागर, पालिकाना स्थायी समितिना अध्यक्ष डॉक्टर हितेन्द्र पटेल, शिक्षण समितिना चेरमेन हितेश पटनी तथा भाजपना कॉर्पोरेटरो तथा अन्य महानुभावों उपस्थित रहा था। आ कार्यक्रम में दीप प्रागट्य बाद तमाम उपस्थित महानुभावों नु स्वागत करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद सुपोषित बाळकों नी किटनुं वितरण करवामां आव्युं हतुं। पूरे देश में ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे पूरे देश में इस समाज को सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। आज गुजरात में बक्षीपंच मोर्चा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ और जगह जगह हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष बक्षीपंच मोर्चे के निरंतर खाट बैठक कर रहे हैं। छोटी छोटी जो जातियां हैं माइक्रो ओबीसी, उसको भाजपा से जोड़ने का काम, विचारधारा से जोड़ने का काम, क्योंकि समाज में समाज के उत्थान के लिए दबे कुचले जो समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गुलदस्ते की शोभा तभी बढ़ती है जब गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं, तो हर तरह के फूल को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनता है। उसी तरीके से हर समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और भारत, क्योंकि हर छोटा समाज चाहता है कि राजनीति में भागीदारी उसको हो, उस भागीदारी के लिए किसी को पार्षद, किसी को विधायक, किसी को मंत्री, किसी को सांसद, हर तरह के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है उसको हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी का आज यहाँ पे बक्षीपंच मोर्चे का जो बैठक है उसी के उद्देश्य से एकजुटता के लिए यहाँ बैठक बुलाई गई है।